बैक्टीरियल फ्लाइजिला है इसके कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी राइट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है बिकॉज आप यहाँ पे डायग्राम में भी क्लियरली देख पाएंगे दिस इज हुक दिस इज द फिलामेंट हेयर और ये जो है बेसल बॉडी है स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से जो कि हमें फिलामेंट दिया गया है तो जो फिलामेंट है ये कंपोज्ड होता है विद प्रोटीन जो कि है फ्लाजेलिन आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में फ्लाजेलिन ही मेंशन किया गया है और ये अरेंज होते हैं इन द हेलिकल चे फिलामेंट्स जो है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सके तो मीन्स ये जो है बैक्टीरियल मूवमेंट करवाते हैं आफ्टर दैट हुक और बेसल बॉडी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो हुक और जो बेसल बॉडी है इनका मेजर फंक्शन है टू एंकर द फिलामेंट ऑन द सेल सरफेस ये जो है एंकर करते हैं फिलामेंट को ऑन द सेल सरफेस राइट आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है बेसल बॉडी हुक प्रोटीन सब यूनिट्स ऑप्शन गलत है थर्ड दिया गया है फिलामेंट बेसल बॉडी ऑप्शन गलत है एट लास्ट हुक बेसल बॉडी अ चेन ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत होता है ऑन दैट बेसिस करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास फर्स्ट दिया गया है और रिमेनिंग जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने टाइप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर